आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज रिवॉर्ड मिला है, बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? बहुत खुश है, वही से खानी शुरू हो गई थी और लोगों को हम इतने पसंद आए थे एंड ऑल थैंक्स टू देम, वी जस्ट लव यू, और आपका जो प्यार है जो इतना मिल रहा है हमें, इट्स अनबिलीवेबल सीरियसली। जब रिवॉर्ड मिलता है कितना खुशी महसूस होती है आपको? मतलब फैंस की तो प्यार मिलता ही है, लेकिन रिकग्नाइजेशन मिलना कितना इम्पोर्टेंट होता है? रिकग्नाइजेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक अचीवमेंट होती है, जैसे कि उन्होंने अंदर कहा था गुरु भाई ने कि एक जो अवार्ड होता है वो आपको ये दर्शाता है कि आप अपने जो आपकी फील्ड है उसमें कहाँ पर हो, कितने पानी में हो, कितने नहीं हो। जब आपको अवार्ड मिलता है तो वो एक अचीवमेंट होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से। बार बार फैंस पे बात इसलिए आती है बिकॉज दे आर द मेकर्स, वही लोग मेक करते हैं, वही लोग हमें बनाते हैं। उनका प्यार, उनकी वॉचिंग, उनकी व्यूइंग जितनी ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा वो हमें देखते हैं, जितने ज़्यादा हमारे एडिट्स बनाए, जितना ज़्यादा हमें पसंद करते हैं, हम उनके बेस पे ग्रो करते हैं। मैम आप बताइए, सर के साथ काम करते वक्त कैसा महसूस होता है, कितनी आप मतलब रिलैक्स फील करते हैं? मोर देन मी आई शुड से दिस थिंग दैट आई लव वर्किंग विद हर, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स ऑफ माइन एंड शी इज़ I'm so comfortable working with her all the time. ये अभी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, अभी बात पहुँच रही होगी किसके सामने ही कार्य करते हैं, बस ज़्यादा चढ़ना है। आई थिंक एज एन एक्टर, अगर मैं अभी से अपने आप को अगले 10 साल देखती हूँ, आई वॉन्ट टू बी एज डेडिकेटेड एज ही इज। इफ ही 10 ईयर्स इन द इंडस्ट्री और आज तक आई हैव नेवर सीन हिम टेकिंग इवन वन शॉट फॉर ग्रांटेड। उसका जब वो सुबह एंटर करते हैं सेट पे, जो एनर्जी होती है, जो डेडिकेशन होता है, वो एंड तक रहता है। कि दैट इज हाउ एन एक्टर शुड बी अचीव सो मच। आई थिंक इट रेजोनेट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ना, वो वाली चीज रेजोनेट होती है। बिकॉज एक्टर क्या होता है, मतलब हम जब एक्ट करते हैं तो वो वाली चीज़ रेसिप्रोकेट होती है। अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे आगे से भी वो वाली परफॉर्मेंस चाहिए, कोई मेरी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि भाई अंजलि के साथ काम करके मेरी वो चीज़ और ज़्यादा एनहेंस ही हुई। बहुत थैंक्स टू अस दिस कनेक्टिविटी। शो में आने वाले दिनों में क्या, काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहे हैं हम इन दिनों, तो क्या रोमांस कब ज़्यादा दिखेगा हमें? बस आने वाला है ऑडियंस को वही द ट्रीटर्स राइट नेक्स्ट डोर। बस कुछ एपिसोड्स के बाद अब वो उनको अच्छी अच्छी हमारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखने दोबारा शुरू। देखिए जब दूरी होती है उसके बाद जब पास आते हैं ना तो वाला प्यार अलग ही होता है। जब दूरी होगी और जब प्यार आएगा पास में तो फैंस को आप मतलब आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक रोमांस कुछ ना कुछ हमें मिलेगा शो में, भरपूर मिलेगा। ओके, अगर आगे की बात करें शो में क्या न्यू ट्विस्ट दिखने वाला है? ऑलरेडी ट्विस्ट है बिकॉज़ आवर शो इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, और अगर उसका खुलासा कर दिया तो और आने वाले दिनों में हम आप दोनों को कोई सॉन्ग में देखेंगे, क्योंकि आजकल एल्बम्स का बहुत चल रहा है, चल रहा है। यू आर स्प्रेडिंग द वर्ड टू द यूनिवर्स और ये वाली चीज बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाली है। अक्टूबर हमने या अभी मैंने मैसेज किया है। ओके, आखिर में अपने फैंस से आप कुछ कह दीजिए लास्ट। वी लव यू, थैंक यू सो मच।